भारतीय इतिहास के शिखर पुरुष महाराणा प्रताप, इनकी लोकप्रियता और देशभक्ति के किस्से हिंदुस्तान में आज भी घर घर में कहे और सुने जाते हैं, जिनके आगे अकबर और अकबर के नवरत्न भी फीके पड़ जाते हैं। आज मैं आपको महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुए हल्दीघाटी के युद्ध में विशाल मुगल सेना से महाराणा प्रताप की जान कैसे बची थी बताने जा रहा हूं। 1573 में अप्रैल माह की गर्मी रेगिस्तान में बढ़ती जा रही थी और इस गर्मी के साथ साथ मुगल सेना भी राजपूताना में अपने कदम बढ़ाती जा रही थी। मुगल सेनापति महाराजा मानसिंह डूंगरपुर के महारावल आसकरण को हराने के बाद जब मेवाड़ पहुंचे तो महाराणा प्रताप ने उदय सागर झील के किनारे उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया, लेकिन स्वागत के लिए महाराणा प्रताप ने अपने बेटे अमर सिंह को भेज दिया। मानसिंह को बताया गया कि महाराणा प्रताप पेट दर्द के कारण उपस्थित नहीं हो सके। मानसिंह ने कहा, मैं प्रताप के पेट दर्द के बहाने को अच्छी तरह समझता हूँ। जब तक प्रताप मुझे खुद थाली नहीं परोसेंगे, मैं खाना नहीं खाऊंगा। प्रताप ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और कहा, मैं उस राजपूत के साथ बैठकर कभी खाना नहीं खाऊंगा जिसने अपना राज्य बचाने के लिए अपनी बुआ को मुगलों को सौंप दिया हो। जब मानसिंह बीच में ही भोज छोड़कर जाने लगे तो प्रताप ने कहा, अकेले क्यों आए, अपने फूफा अकबर को भी ले आते। इस तरह से मानसिंह का घोर अपमान हुआ। मानसिंह ने भी प्रण कर लिया कि मैं प्रताप का गुरूर मिट्टी में मिलाकर ही रहूंगा। इसी के परिणाम स्वरूप हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मानसिंह का अपमान महाराणा प्रताप ने किया हो। इससे पहले मानसिंह के पिता भगवंत दास और राजा टोडरमल भी महाराणा प्रताप को मनाने आए थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर के आगे अपना सिर झुकाने से साफ इनकार कर दिया था। 28 फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत होने से पहले उन्होंने अपने 9वें नंबर के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। महाराणा प्रताप सबसे बड़े थे, इसलिए वहां के मंत्रियों ने महाराणा प्रताप को ही गद्दी पर बिठाया। जगमाल इससे नाराज होकर अकबर के पास चला गया। अकबर ने जहाजपुर की जागीर उपहार स्वरूप जगमाल को दे दी। जगमाल से पहले उदय सिंह के दूसरे नंबर के पुत्र शक्ति सिंह भी मेवाड़ छोड़कर अकबर की सेना में चले गए थे। प्रताप के राणा बनने से 4 साल पहले ही मेवाड़ पर मुगलों का अधिकार हो चुका था। गद्दी संभालते ही महाराणा प्रताप ने एक तरफ मुगलों से संघर्ष की तैयारियां शुरू कर दी और दूसरी तरफ अपने राज्य में खड़ी फसल को नष्ट करवा दिया, जिससे कि अकबर की सेना को रसद न मिल सके। साथ ही पानी के कुओं में मिट्टी डलवा दी गई ताकि मुगल सेना पानी के अभाव में टिक न सके। और फिर प्रताप ने ऐलान कर दिया कि जब तक उनका चित्तौड़ पर दोबारा कब्जा नहीं हो जाता, तब तक सोने चांदी की थाली का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही चारपाई पर सोएंगे। आज भी प्रताप के अनुयायी पत्तलों पर सदियों से खाना खाते आ रहे हैं। और आखिर वो दिन आ गया जब दो शेर यानी मानसिंह और प्रताप का हल्दी घाटी में 21 जून की तपती दोपहरी में आमना सामना हुआ। मुगल फौज का नेतृत्व कर रहे थे मानसिंह। एक तरफ हाथी घोड़ा लाखों पैदल सैनिकों के साथ मुगल सेना थी, तो दूसरी तरफ कुछ हजार घुड़सवारों और कुछ पैदल सैनिकों के साथ प्रताप की सेना। लेकिन प्रताप के नेतृत्व में राजपूत सैनिकों ने मुगल सेना के छक्के छोड़ा दिए। राजपूत सेना जीत की ओर बढ़ ही रही थी, तभी सूचना मिली कि अकबर खुद एक विशाल सेना के साथ पीछे से आक्रमण करने वाला है। अपने बचाव में राजपूत सेना ने अपने कदम पीछे खींच लिए और इसी भाग दौड़ में मुगल सेना हावी हो गई। मानसिंह बहादुरी दिखाते हुए अपने हाथी को आगे ले आए। राजपूतों ने उनको रोकने के लिए हाथियों का ही इस्तेमाल किया। इसी बीच मानसिंह की मदद के लिए हाथियों के कमांडर हुसैन खां भी आगे आ गए। मुगलों के एक हाथी ने राणा की फौज के मुख्य हाथी राम प्रसाद पर जबरदस्त हमला किया, जिससे उसका महावत मारा गया। मानसिंह की सेना का एक महावत उस पर सवार हो गया
और फिर उस हाथी का इस्तेमाल राजपूत सेना के खिलाफ किया गया और बाद में जीत की खबर उसी हाथी पर सवार होकर अकबर को भेजी गई। इसी बीच चेतक पर सवार महाराणा प्रताप हाथी पर सवार मानसिंह के सामने आ गए और प्रताप ने उनके ऊपर भाले से हमला किया। भाला मानसिंह को न लगकर महावत को लगा, वह वहीं ढेर हो गया। इसी बीच मानसिंह के हाथी की सूंड में लगी तलवार से चेतक के पैर घायल हो गए। चेतक के घायल होने पर प्रताप की युद्ध करने की क्षमता पर जबरदस्त असर पड़ा। इसी बीच मुगल सेना ने तीर बरसाने शुरू कर दिए। प्रताप चारों तरफ से मुगल सेना से घिरते जा रहे थे। तभी राणा के फौज के अधिकारियों ने तय किया कि राणा को युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। मुगलों को भ्रमित करने के लिए प्रताप की जगह मानसिंह झाला ने ले ली। उनके सिर के ऊपर मेवाड़ की छतरी लगी हुई थी। मुगल सेना ने प्रताप समझकर मानसिंह झाला पर चारों तरफ से आक्रमण किया और मानसिंह झाला शहीद हो गए। लेकिन शहीद होने से पहले प्रताप को वहां से सुरक्षित निकाल दिया। महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान से निकलते समय दो मुगल सैनिक उनके पीछे हो लिए। महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह ने उन मुगल सैनिकों को महाराणा प्रताप का पीछा करते हुए देख लिया। शक्ति सिंह को पता था चेतक घायल है और महाराणा प्रताप भी। यदि इन मुगल सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप का मुकाबला हुआ तो शायद महाराणा प्रताप की जान को खतरा हो सकता है। हालांकि शक्ति सिंह अकबर की सेना की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन बड़े भाई की जान खतरे में देख छोटे भाई का प्रेम जाग गया और गुप्त रास्ते से होते हुए महाराणा प्रताप के पीछे जा पहुंचे और दूर से ही आवाज लगाई, ओ नीले घोड़े रे सवार, रुक जा। महाराणा प्रताप ने पलटकर देखा तो भाई शक्ति सिंह सामने खड़े थे। शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप छिपकर मुगल सैनिकों का इंतजार करने लगे। जैसे ही मुगल सैनिक वहां पहुंचे, शक्ति सिंह ने दोनों को मौत के घाट उतार दिया और महाराणा प्रताप को सुरक्षित निकाल दिया। उधर चेतक के पैरों में खून बह रहा था, फिर भी प्रताप को चेतक सुरक्षित स्थान पर ले गया। अब सामने एक गहरा नाला था। चेतक ने एक लंबी छलांग लगाई, नाला तो पार हो गया और महाराणा प्रताप मुगल सेना की पहुंच से दूर। पर चेतक ने प्रताप की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। चेतक के उस पार पहुंचते ही प्राण पखेरु उड़ गए। प्रताप अपने प्रिय घोड़े को खो चुके थे। बाद में प्रताप ने उसी जगह पर चेतक की याद में एक स्मारक बनवाया। हल्दी घाटी छोड़कर प्रताप गोगुंदा के पश्चिम में कोलियारी पहुंचे, जहां घायल सैनिकों का उपचार किया जा रहा था। प्रताप को इस बात का अंदाजा था कि मुगल सैनिक किसी भी समय यहां पहुंच सकते हैं, इसलिए प्रताप ने 20 सैनिकों को वहां छोड़ दिया और सभी को वहां से निकाल ले गए। मुगल सैनिक वहां पहुंचे तो वो 20 सैनिक मारे गए। हल्दी घाटी की लड़ाई में मुगल सेना की स्पष्ट जीत नहीं कही जा सकती। बाद में प्रताप ने छापामार युद्ध करने का फैसला किया। जंगलों से निकलकर अचानक हमला कर गायब हो जाते। एक साथ सैकड़ों हमला। मुगल सेना में प्रताप की ऐसी घबराहट थी कि उनको 100-100 प्रताप दिखाई देने लगे। इस तरह से अपने जीते जी प्रताप ने कभी भी अकबर के दरबार में सिर नहीं झुकाया और हिंदुस्तान के मान सम्मान को बनाए रखा। इसी सम्मान के कारण हम आज दुनिया में सिर उठाए घूम रहे हैं।